देश के कोने कोने से आए हुए मेरे सारे भाइयों को मेरा सादर प्रणाम। जन्म जहां पर तुमने पाया, अन्न जहां का तुमने खाया, उस देश की सेवा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। हमारा युवा अशिक्षा, बेरोजगारी, हताशा से घिरा हुआ। तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत है? तुम तो वैसे ही जमींदार खानदान के हो। हर्षद अब फेल हो गए। दोष पूरे सिस्टम का है, जिस सिस्टम में राजनेता सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाते हैं और कुछ नहीं। मैं राजनीति नहीं कर रहा, लोक नीति कर रहा। सरकार होती ही है आम लोगों के लिए, और लोकतंत्र में जनता जनार्दन ही सरकार है। शांत हो जाइए भाइयों, शांत हो जाइए। बेशक युवा तरक्की करेगा तो राज्य तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा। हर एक युवा को एक समान अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। ना तीर ना तलवार से, ना गोलियों की बौछार से, हम भी भारत के हैं सपूत। सुनो बात हमारी प्यार से, हर जात धर्म को कुदरत का एक सा हवा और पानी। फिर क्यों इंसान ही फितरत में लेकर जीता बेमानी। हमें हक जय सरदार, जय सरदार। अगर कुछ ऊंच नीच हो गया तो मुझे तो हाई कमान को बताना पड़ेगा। आप निश्चिंत रहिए सीएम साहब, क्योंकि हुकुम का एक का अभी भी मेरे पास है। ये एक्सीडेंट नहीं, हत्या की गई है उसकी। इस आंदोलन को यही रोक दीजिए। अब बर्दाश्त की सारी सीमाएं पार हो चुकी है। हम खून का बदला खून से लेंगे और लाश का बदला लाश से। कोई एक डंडा मारे तो तुम 10 डंडे मारो। हर्षद ने एक बार फिर से विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए सरकार को घेरा। हमें हक चाहिए, हमें हक चाहिए, हमें हक चाहिए।